हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक उत्पादन तथा रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर तथा उसके निर्धारण के संबंध में दो मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, जिसे हम प्रतिष्ठित या क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, कीन्स का रोजगार सिद्धांत। पहले हम रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। इस सिद्धांत की रचना विभिन्न परंपरावादी व नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के रोजगार संबंधी विचारों पर की गई है। परंपरावादी अर्थशास्त्र का प्रारंभ 1776 से एडम स्मिथ की पुस्तक दी वेल्थ ऑफ नेशंस से माना जाता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, कार्ल मार्क्स तथा नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में मार्शल व पीगू के रोजगार संबंधी विचारों को लिया गया है। 1930 से पहले परंपरावादी अर्थशास्त्र अपने वर्चस्व पर था, किंतु 1930 की आर्थिक मंदी ने परंपरावादी अर्थशास्त्र का खोखलापन उजागर कर दिया। प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं। पहली मान्यता है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार अर्थव्यवस्था स्वचालित व स्वसमायोजित होती है तथा कीमत प्रणाली। प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता। पहली मान्यता है, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था स्वचालित व स्वसमायोजित होती है तथा कीमत प्रणाली के माध्यम से कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियां हमेशा क्रियाशील होती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहता है। दूसरी मान्यता है, सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। तीसरी मान्यता है, अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यदि कभी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पुनः कायम हो जाती है। चौथी मान्यता है, श्रम व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। नेक्स्ट, मुद्रा की तटस्थता, अर्थात मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, यह आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं करती है। यानी मुद्रा केवल लेन देन का कार्य करती है, यह उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं करती है। अति उत्पादन असंभव है। प्रतिष्ठित सिद्धांत से के बाजार नियम को एक महत्वपूर्ण आधार मानता है। इसीलिए से के बाजार नियम को ध्यान में रखते हुए कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, क्लासिकल्स मानते हैं कि कभी भी अति उत्पाद। प्रतिष्ठित सिद्धांत का आधार। प्रतिष्ठित सिद्धांत के दो मुख्य आधार हैं। पहला, जेबी से का नियम और दूसरा, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। से के बाजार नियम में यह बताया गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। अतः अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए मांग का बाजार स्वयं उत्पन्न हो जाता है, जिससे कभी भी अति उत्पादन और बेरोजगारी नहीं हो सकती। दूसरा, परंपरावादी अर्थशास्त्री फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को अपने सिद्धांत का मुख्य आधार मानते थे। उनका मानना था कि मुद्रा का कार्य विनिमय माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में है।
मुद्रा तथा कीमत स्तर का संबंध जे.एस. मिल तथा फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन केवल कीमत स्तर को प्रभावित करता है। मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व अनुपाती संबंध पाया जाता है। पीटी बराबर एमपी। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो इक्वेशन है उसका सहारा लिया, पीटी बराबर एमवी। यहाँ अगर हम टी और वी दोनों को यदि हम स्थिर मान लें तो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व्यानुपातिक संबंध पाया जाता है। यहाँ टी से मतलब व्यापारिक सौदों की मात्रा, वी से मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी